बाड़मेर के गुड़ामलानी क्षेत्र के मेहलू गांव में एक महिला ने पंचों के तुगलकी फरमान से परेशान होकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महिला ने बताया कि पंचों ने उसे समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला गोमती जाट है और जिसकी शादी धोखे से उसके रिश्तेदारों ने कर दी थी, जहां ससुराल में शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। और इसी को लेकर महिला ने आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस की ओर से कार्रवाई न करते हुए दोनों पक्षों में राजीनामा करवा दिया गया। लेकिन समाज के पंचों ने पीड़ित महिला पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया और रुपए नहीं देने पर समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी। पहले 2-3 महीने पहले गोमती की शादी हुई थी वहाँ, बाद में उसने मारपीट करके वापस भेज दी। कहाँ हुई थी शादी? हैं, कहाँ हुई थी शादी? वैशानिया। अच्छा, मेरा नाटक। मारपीट किसने की फिर? मारपीट इसके पति ने। फिर समझौता करवाया इधर गांव आके, तो समझौता कर लिया। बाद में फिर ये दोबारा हो गई, तभी वो वापस आई गोमती। बाद में रिपोर्ट की बड़ा माला नहीं, तभी वहाँ और आए थे उधर से पैसानिया से बुलवाए। बाद में फिर वो आए और बोल दिया हम तलाकनामा लेके दे देंगे शपथ पत्र पे, हमारा रिपोर्ट वापस दे दें। तभी उसने शपथ पत्र लेके दे दिया। बाद में फिर अभी गांव वाले थे वो कर वो बोल रहे हैं कि अभी समाज से बाहर कर देंगे। हाँ, गोमती नाम की एक परिवादी आज मेरे समक्ष पेश हुई थी। उसने ये बताया कि उसके पति के साथ उसकी अनबन थी, इस बात को लेके दोनों पक्षों ने आपस में बैठ के सहमति करके और एक दूसरे से अलग होने का फाइनल फैसला कर लिया था। उसके बाद में अब उनको कोई उनके समाज के ससुराल पक्ष के लोगों ने कहा है कि हमारे को वो अलग होने का तो हो गया, लेकिन अब हमें 5 लाख रुपए और दो जो हमारे खर्चा हुआ था या लगे थे, इस तरह का आरोप लगाया, और वो नहीं दोगे आपको समाज से हम बाहर निकालेंगे। और इस बात देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।